क्वीन का किंग के डॉक्टर के साथ अफेयर हो जाता है और यह अफेयर पूरी कंट्री बदल सकता था। जब सब लोगों को इसके बारे में पता चला तो किंग ने इस अफेयर को इग्नोर क्यों किया? हम आज की हमारी मूवी अ रॉयल अफेयर एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर कैरोलिन अपने बच्चों को एक लेटर लिख रही थी। उसमें वो लिखती है कि शायद तुम लोग मुझे जानते नहीं पर मैं तुम्हारी मदर हूँ। जो भी हुआ था ये सब कुछ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो क्यों किया, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। ये हमारा टाइम 1766 का है। कैरोलिन की शादी बिना उसके हस्बैंड को देखे हो गई थी क्योंकि वो एक किंग था। उसका नाम था क्रिश्चियन। वो पहली बार उसे मिलने जा रही थी तो नर्वस थी। उसकी मदर उसे कहती है कि पहली रात अगर क्रिश्चियन तुम्हारे पास आ गया इसका मतलब है तुम्हारा मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल माना जाएगा। कुछ भी कर उसे अपने चैम्बर्स तक लेकर आना। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ी जर्नी कर डेनमार्क आए। उसे वेलकम किया जाता है और वो फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन से मिली। क्रिश्चियन थोड़ा सा बच्चों जैसा क्यूरियस था, अनप्रिडिक्टेबल था, कब क्या करेगा कोई जान नहीं सकता। कैरोलाइन से मिलने के बाद उसी को घूर रहा था। सिटी में पहुंचने के बाद कैरोलाइन ने स्टेट की हालत देखती है। इसमें पॉवर्टी और बहुत ज्यादा गंदगी थी। उनके पैलेस में क्रिश्चियन की स्टेप मदर जिसका नाम था जूलियन ये भी रहा करती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बन जाए। कैरोलाइन को यहाँ पर गाइड करने के लिए एक एम्प्लॉय दी गई थी। कैरोलाइन उसे पूछती है कि मेरे बुक्स कहाँ पर है। वो एम्प्लॉय उसे कहती है कि वो रिव्यू हो रही है, यहाँ पर सेंसरशिप है और बहुत सारी बुक्स फिर से वापस चली जाएगी। तुम वरी मत करना, तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए हम बहुत सारी बुक्स लेकर आएंगे। ये एम्प्लॉय उसकी फ्रेंड बन गए। रात में डिनर के वक्त कैरोलाइन ने जूलियन को देखा। फ्रेंड उसे कहती है कि जूलियन के साथ कोई भी बात नहीं करता क्योंकि कभी भी वो अच्छी चीज नहीं कर सकती। कैरोलाइन फिर क्रिश्चियन के पास आकर बैठ गई। उसे पूछती है कि क्या आज रात तुम मेरे चैम्बर्स में आओगे। क्रिश्चियन ने अपने एडवाइजर से पूछा और इसके लिए वो हाँ कहता है। इसके बाद कैरोलाइन सबके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पियानो बजा रही थी। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तभी क्रिश्चियन के पास जूलियन आए। उसे कहती कि सब लोगों को अब लगने लग गया कि कैरोलाइन इतनी टैलेंटेड है तो डेनमार्क की क्वीन बनकर उसे मैनेज उसे ही करना चाहिए। क्रिश्चियन को इस बात से इनसिक्योर लगने लग गया। वो कैरोलाइन को पियानो बजाने से मना कर देता है। इस बात की वजह से कैरोलाइन को बहुत बुरा लगा। रात में क्रिश्चियन उसके पास आया, उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है पर कैरोलाइन उसे झटक देती है। इसके लिए उसने उसे सॉरी कहा और इसके बाद वो फिर से इंटीमेट हो गए। जैसे टाइम बीतता गया वैसे कैरोलाइन ने रियलाइज किया क्रिश्चियन की मेंटल हालत सही नहीं है। अब उसे उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने पड़ने वाली थी और इस थॉट की वजह से उसे वो हेट करने लगती है। क्रिश्चियन उसे छोड़कर अलग अलग सेक्स वर्कर को भी अपने पास लेकर आता था। कैरोलाइन को तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी पड़ी, वो थी इस कंट्री को एक प्रिंस देना। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद क्रिश्चियन को अपने पास नहीं आने देती। अपने फ्रेंड के साथ ही वो हमेशा टाइम स्पेंड किया करती थी। इस बात की वजह से क्रिश्चियन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो डायरेक्टली कैरोलाइन के फ्रेंड पर हमला कर देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। कैरोलाइन की फ्रेंड को एक अलग कंट्री में बहुत दूर भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे एक बेबी बॉय हुआ। एक दिन क्रिश्चियन उसके पास आया और कहता है कि मैं पूरा यूरोप घूमने के लिए जाने वाला हूँ, अब मुझे एक दो साल लग सकते हैं। कैरोलाइन कहती है कि तुम क्या करते हो, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जर्मनी का एक छोटा सा टाउन देखते हैं। वह एक सर्वेंट एक डॉक्टर के पास आए। इस डॉक्टर का नाम था जोहान, जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। उसे कहती कि हमारे अकाउंट बीमार है, उन्होंने तुम्हें बुलाया हुआ है। वैसे भी इस टाउन में ज्यादा पैसे मिलते नहीं थे तो जोहान उनके पास चला गया। उसे कहते कि तुम एक प्रीस्ट के बेटे हो फिर भी रिवॉल्यूशनरी राइटिंग करते हो, तुम अगर उस राइटिंग पर अपना नाम लिखते तो तुम्हें अरेस्ट हो जाता। जोहान कुछ भी बात कंफर्म नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। हमारा किंग क्रिश्चियन पूरा यूरोप घूम रहा था पर अब जरा बीमार हो चुका है। जोहान पूछता है कि उसे क्या बीमारी है। उन्होंने उसे कहा कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है। उसके लिए डॉक्टर ढूंढा जा रहा था और वो चाहते थे कि जोहान जाकर वहां पर इंटरव्यू दे। जोहान पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम पहले क्रिश्चियन के करीबी हुआ करते थे पर अब हमें पैलेस से निकाल दिया गया है। अगर हमारा आदमी पैलेस में होगा तो हम फिर से वहां पर वापस आ सकेंगे। ये सब जो बात कर रहा था उसका नाम था शैक और उसके साथ और एक लड़का था जिसका नाम था ब्रांट। जोहान इस काम के लिए मान जाता है। क्रिश्चियन ने बहुत सारे डॉक्टर्स की इंटरव्यू ली पर उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। फिर जोहान आकर उससे बात करता है। उसने उसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। क्रिश्चियन ने अपनी सारी बुरी आदतें उसे बताई। जोहान कहता है कि ये तो सब बहुत ही नॉर्मल है। उसने कहा कि अगर तुम किंग नहीं होते तुम कुछ भी कर सकते तो फिर क्या करते।
क्रिस्टन एक प्ले से उसे लाइन सुनाता है। इसके बारे में जोहान को ऑलरेडी पता था, वो भी उसके बारे में बात करने लग गया और इस वजह से उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप की वजह से क्रिस्टन को अच्छा लगने लग गया था और फाइनली अपनी कंट्री में वापस आया। वापस आकर देखता है कि उसे वेलकम करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है। इस बात से गुस्सा हो गया, वो अपने काउंसिल को कहता है कि अभी कभी लोगों को लेकर आओ वरना मैं नदी में कूद जाऊंगा। जोहान ने उसे कहा कि तुम्हें एक्चुअल में नदी में कूदना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर क्रिस्टन अपना माइंड चेंज कर लेता है। जोहान को किस तरीके से उसे हैंडल करना था ये बात आती थी। क्रिस्टन अब कैरोलाइन के साथ आने की जिद नहीं करता क्योंकि जोहान के साथ ही उसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। काउंसिल की मीटिंग में भी उसे बहुत बोर होता है तो जोहान को अपने साथ लेकर जाता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि क्रिस्टन का काम सिर्फ पेपर्स पर साइन करना था। इस कंट्री का कोई भी डिसीजन वो नहीं लेता था, ये सब कुछ काउंसिल ही डिसाइड करते थे। थोड़ी देर में जोहान से मिलने के लिए ब्रांड और शैक आए। वो उसे कहते हैं कि तुम तो हमारे बारे में भूल ही गए। वो उन्हें अंदर बुलाता है और क्रिस्टन से मिलाता है। क्रिस्टन ने फिर से उन्हें पैलेस में आने के लिए परमिशन दे दी। रात में क्रिस्टन और जोना ड्रंक होकर पैलेस में आते थे। एक दिन वो ज्यादा ही आवाज कर रहे थे तो कैरोलाइन उनके पास आई। वो कहते कि इस तरीके से बिहेव करना आपके लिए सही नहीं है। जोहान उसे समझाने की कोशिश करता है पर कैरोलाइन उसकी कोई भी बात नहीं मानती। अगले दिन क्रिस्टन जोहान से कह रहा था कि कैरोलाइन हमेशा गुस्से में ही रहती है। जोहान कहता है कि शायद वो बीमार होगी। क्रिस्टन को आइडिया आया कि जोहान को ही कैरोलाइन के पास भेजना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएगा। जोहान ने कैरोलाइन का चेकअप किया। उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है पर फिर भी तुम्हारा मूड खराब रहता है, तुम्हें जरा बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। वैसे तो कैरोलाइन को ज्यादा बाहर जाना अलाउड नहीं था पर जोहान की वजह से वो जा सकती है। जोहान के रूम में उसने कुछ बुक्स देखी जो यहाँ पर पढ़ना बैन था। एक बुक वो उसे बोरो कर लेकर जाती है। बाहर घूमकर कैरोलाइन को बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन जोहान के साथ एक आदमी डिस्कस कर रहा था कि टाउन में स्मॉल पॉक्स आ चुका है, वो होप करती हूँ कि अपनी सिटी तक नहीं पहुंचे। पार्टी चल रही थी तो जोहान कैरोलाइन के पास आ गया। वो कहती कि वो सब बुक्स तुमने तुम्हारे पास लाए कैसे थे। जॉन हॉर्स को देखकर कहता है क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग के लिए चलना है। ये राइड कैरोलाइन को बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर में बारिश गिरने लग गई। बहुत दिनों बाद कैरोलाइन ने बारिश को महसूस किया था। अलग अलग सोशल टॉपिक्स पर बात करते हुए वो घर आ रहे थे तभी रास्ते के साइड में एक सर्वेंट की डेड बॉडी उसे मिलती है। जॉन उसे जाकर देख कर आया पर इस चीज में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि शायद काउंसिल के किसी आदमी का सर्वेंट होगा, शायद उसने कुछ चोरी की होगी तो इस सब में वो नहीं पढ़ सकता। जिस तरीके से सर्वेंट्स को ट्रीट किया जाता है, उन्हें पाई कर लाते सेल कर देते हैं, ये सब चीज़ें कैरोलाइन को अच्छी नहीं लगती पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती। स्मॉल पॉक्स अब बहुत बढ़ चुका था। टाउन में जोहान लोगों को देखने के लिए गया तो जिस आदमी की डेथ हुई थी ये पैलेस में ही काम करता था। जनरली इस बीमारी की वजह से बच्चों की डेथ हो रही थी। जोहान काउंसिल को कहता है कि कैरोलाइन के बेटे को हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए। ये प्रोसेस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थी और इसमें हमेशा जान का खतरा तो होता ही है, इसी वजह से सब लोग उन्हें मना कर रहे थे। फाइनली कैरोलाइन से पूछा जाता है तो कैरोलाइन जोहान पर बिलीव करती थी तो इस वजह से उसे परमिशन दे देती है। ये वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया, उनका प्रिंस सेफ था। कैरोलाइन ने पूछा कि आपके मेथड से कितने लोग बच सकते हैं। जोहान ने कहा कि ऑलमोस्ट सब लोग बच जाएंगे, तो चाहती थी कि सब लोगों को जाकर जोहान ट्रीट करे। इस बारे में क्रिस्टन काउंसिल की मीटिंग में बात करता है पर काउंसिल ने कहा ये सब करना बहुत ही कॉस्टली होगा, उनके पास इतने पैसे नहीं है। जोहान ने सीक्रेटली जो चीज़ें पब्लिश की थी ये सब कुछ वो कैरोलाइन को पढ़ने के लिए दे देता है। आजकल उन दोनों में आंखों ही आंखों में बातें चल रही थी। उनकी करीबिया ब्रांड नोटिस कर लेता है। वो जोहान को कहता है कि जो तुम कर रहे हो बहुत ही डेंजरस है, इसके लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक दिन कैरोलाइन जोहान के पास आए और उसे कहती है कि क्या हम कभी फ्री हो सकते हैं। हमेशा सोसाइटी के कंस्ट्रेंट में उन्हें रहना पड़ता है, क्या इस सब से वो कभी फ्री हो पाएंगे। जोहान कहता है कि शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन फ्री हो जाएगी। कैरोलाइन कहती है कि तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी लाइफ का क्या। उन्हें इस कंट्री में चेंज लाना था। क्रिस्टन हमेशा जोहान की बात मान लेता है पर क्रिस्टन की बात काउंसिल में कोई भी नहीं सुनता। जोहान ने उसे समझाया कि काउंसिल में तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, अपने लोगों के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। क्रिस्टन कहता है कि सब लोग मुझे पागल समझते हैं। जोहान कहता है कि तुम्हें तो एक्टिंग बहुत पसंद है तो स्ट्रांग किंग होने का तुम एक्ट कर सकते हो। सिटी में बहुत ही गंदगी होती थी तो साफ सफाई के लिए उसने एक प्रपोजल रखा। काउंसिल उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट दिन में पैलेस में सब लोगों के मास्क लगाकर पार्टी थी। जोहान ने कोई भी मास्क नहीं पहना था तो कैरोलाइन उसे कहती है कि तुम हमेशा अपने मास्क पहन कर ही रहते हो, कभी भी उसे निकालते नहीं।
उन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस किया। जॉन उसके ज्यादा करीब आ रहा था, ये रियलाइज कर कर उसे दूर चला जाता है। कैरोलाइन भी उसके पीछे पीछे आई। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। एक दिन कैरोलाइन ने जोहान को एक लेटर में उसके पास बुलाया। एक सीक्रेट चैम्बर था जिसकी चाबी उसने छुपाई हुई थी। ये लेकर जोहान उसके पास आ गया। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो फिर अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। क्रिश्चियन को अलग अलग आइडियाज बताने लग गए कि किस तरीके से वो कंट्री को इम्प्रूव कर सकता है। जब क्रिश्चियन कुछ बड़े चेंज की बात करता तो काउंसिल उसका कुछ भी मानती नहीं थी। कैरोलाइन को आइडिया आई कि अगर जोहान काउंसिल में बैठता है तो बहुत सारे चेंजेस कर पाएगा। जोहान कहता है कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी डॉक्टर हूँ, मुझे काउंसिल में नहीं लेंगे। कैरोलाइन कहती है क्रिश्चियन तुम्हारी सारी बातें मानता है, ये भी हो जाएगा। जो भी आइडियाज अब काउंसिल में आ रहे थे इसके बारे में जूलियन और से बात करती है। और एक काउंसिल मैन था। क्रिस्टन ने सारे टाउन को वैक्सीनेशन देने की बात की थी। जूलियन कहती है कि कैरोलाइन का ही आइडिया था। और कहता है कि मुझे लगता है कि जोहान की तरफ से ये सब आइडिया आ रहे हैं। मुझे जोहान के बारे में एक चीज पता चली है। कैरोलाइन और जोहान मिलकर क्रिस्टन को आइडियाज देते थे, इसके बारे में उन्हें कन्फर्म हुआ। इसके बाद वो डायरेक्टली काउंसिल के पास गए और काउंसिल को बताता है कि जोहान रिवोल्यूशनरी राइटिंग करता है। उसे लगता है कि स्लेव्स को फ्री कर देना चाहिए। वो हमारे रिलीजन पर भी बिलीव नहीं करता। इस तरीके के आदमी को क्रिस्टन के साथ नहीं रख सकते। अगले दिन जब काउंसिल की मीटिंग हुई तो क्रिस्टन काउंसिल से कहता है काउंसिल में यंग लोग होने चाहिए। काउंसिलर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जोहान को अब कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्रिस्टन ने इस बात को डिफेंड किया। उसने सारे काउंसिल को ही फायर कर दिया। जोहान के साथ मिलकर उसने न्यू काउंसिल फॉर्म की। इस बात की वजह से सब लोग बहुत खुश थे। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उनके आइडियाज पर काम किया। कंट्री में जो भी चीजें गलत थी वो सब कुछ रिप्लेस कर दी। बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी ये चेंजेस बहुत अच्छे लगने लग गए। एक दिन कैरोलाइन जोहान को बुला लेती है। उसे कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बेबी जोहान का था। वो कहती कि मुझे फिर से क्रिस्टन को मेरे पास बुलाना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा होगा। आजकल क्रिस्टन उसके पास आ नहीं रहा था। जोहान को इस बात से बहुत बुरा लगता है, पर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्रिस्टन से बात करता है। उसने कहा कि लोग जरा स्पेकुलेट कर रहे थे, तुम्हें कैरोलाइन के पास जाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्रिस्टन कहता है कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, पर जोहान कहता है कि वो चाहती है कि तुम उसके पास आ जाओ। इसके बाद रात में क्रिस्टन कैरोलाइन के पास आ गया। एक रात कैरोलाइन जोहान को फिर से बुलाती है। कहती है कि अब हम दोनों फिर से इस तरीके से नहीं मिल सकते। वो जोहान को उसके करीब नहीं आने देती। कहती कि मुझसे क्रिश्चियन की स्मेल आ रही है। जो हो रहा था इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़े टाइम में कैरोलाइन ने क्रिश्चियन को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। क्रिश्चियन को कोई शक नहीं जाता। उस बेबी से प्यार करने लग गया और रात भर वहीं पर सोता था। जोहान भी आजकल बहुत डिस्टर्ब था और हर एक डिसीजन के लिए क्रिश्चियन के पास जाना उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। उसे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट है, तुम अगर इसे साइन करोगे तो तुम्हारी जगह पर कंट्री के सारे डिसीजन मैं ले पाऊंगा। क्रिस्टन उस पर ट्रस्ट करता था और इस पर उसने साइन कर दिया। एक दिन जोहान से बात करने के लिए शैक आया। उस पर बहुत सारी डेब्ट हो गई थी और वो चाहता था कि अब जोहान के पास पूरी पावर है तो उसकी सारी डेब्ट वो फ्री कर दे। जोहान ये चीज फ्री नहीं कर सकता था। उसे कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। इस बात की वजह से शैक को बुरा लगता है। एक दिन कैरोलाइन जब बाहर घूम रही थी तो जोहान भी उसे ज्वाइन करता है। उसका हाथ उसने हाथों में लिया और दूर से जूलियन देख लेती है। उसे समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसने पैलेस की सारी सर्वेंट्स को बुलाया। वो पूछती कि क्या तुम लोगों को जोहान और कैरोलाइन के बीच में कुछ पता है? अगर पता होकर तुमने कुछ भी नहीं बोला तो एक ट्रीजन कहा जाएगा। एक सर्वेंट उनके बारे में जानती थी, उसे सब कुछ सच सच बता देती है। कंट्री में जोहान जो भी चेंजेस ला रहा था इसी वजह से उनके फंड कम हो रहे थे। उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि बहुत सालों से वॉर हुई नहीं है, इसी वजह से अपनी मिलिट्री को कम कर सकते हैं। कैरोलाइन को एक बेटी हुई। वह सब लोगों को बाहर निकाल देती है और जोहान को बुलाती है। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब हम एक फैमिली बन चुके हैं। पैरेलल में जूलियन और काउंसिल के सब लोग मिलकर प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से क्रिश्चियन को एज अ किंग हटाना है। जूलियन का बेटा फिर किंग बन सकेगा। उन्होंने फिर प्लान बनाया और क्रिश्चियन को जोहान और कैरोलाइन के बारे में बता दिया। इस बात की वजह से क्रिश्चियन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो जोहान को कन्फर्म करता है। जोहान ने कहा कि ये सब बातें सिर्फ अफवाह है, ये कुछ भी सच नहीं है। ये चीज क्रिश्चियन ने पेपर में पढ़ी थी और ये सब लोगों को पता चल चुका था। कैरोलाइन जोहान से कहती है कि अगर ये बात कन्फर्म हो जाती है तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर देंगे। ये आर्टिकल और ने पब्लिश किया था तो जोहान उसे पैलेस से निकाल देता है।
जोहान ने क्रिस्टन से कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम पैलेस से नहीं जा सकते, ये सेफ नहीं रहेगा। उसके साथ खेलने के लिए एक छोटे से लड़के को लेकर आए। कैरोलाइन और जोहान को लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे थे, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वो निकाल ले। जिस चीज़ के वो अगेंस्ट लड़ रहे थे, यही चीज़ अब उन्हें खुद करनी पड़ी। कैरोलाइन बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी और बहुत रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। जोहान उसे सुलाने के लिए एक नशे की दवाई देता है। एक दिन क्रिश्चन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, वो रो रही थी, तो इस वजह से कैरोलाइन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो के उसे स्लैप करती है और कहती कि मेरी बेटी के पास वापस मत आना। क्रिश्चन समझ जाता है कि एक्चुअल में जोहान और कैरोलाइन की ही बेटी है। वो डिस्टर्ब होकर अचानक से डिनर से उठकर चला गया। जोहान कहता है कि तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जोहान ने भी उसे सब कुछ कन्फेस कर दिया। क्रिस्टन उसे माफ़ कर देता है। उनके यहाँ पर एक रात डांस होने वाला था। उसी रात काउंसिल पूरे पावर को बदलने वाली थी। कैरोलाइन अब भी बहुत डिस्टर्ब थी और इसी वजह से नशे करने लग गई थी। जोहान उसका ख्याल रखता है। कैरोलाइन ने उसे कहा कि हमें यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहिए। जोहान कहता है कि वहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मेरी एक पोजीशन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जूलियन मिलिट्री के हेड के पास जाती है। उसने कहा कि जोहान के मुताबिक वो तुम्हें जॉब से निकालने वाला था। यही मोमेंट है जब तुम एक विक्टिम बन सकते हो या फिर हमारे साथ मिलकर बदला ले सकते हो। मिलिट्री का हेड भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए मान जाता है। रात में फिर और जोहान के फ्रेंड शैक के पास आया। शैक जोहान से अपसेट था और उसे उसकी डेट फ्री करने का प्रॉमिस करता है। इसी वजह से और के साथ काम करने के लिए वो मान जाता है। रात में सारे टाउन के लोगों को लेकर वो पैलेस में आ गए। बाहर वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद जोहान ने क्रिस्टन को बंदी बना लिया है। जोहान कहता है कि बाहर जाकर तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, और क्रिस्टन डर रहा था कि शायद वो लोग उन्हें मार देंगे। जोहान कैरोलाइन के पास आया। कैरोलाइन कहती कि पहली रात हमने जब साथ बिताई थी, उसके बाद से हम हैप्पी नहीं रह पाए। जोहान कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ था तो सारे मोमेंट्स में हैप्पी था। कैरोलाइन आज रात उसे अपने पास बुलाती है। बीच रात में और काउंसिल के लोग क्रिस्टन के पास आए। उसे कहते कि अभी के अभी तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना लोग अंदर आ जाएंगे। जोहान का फ्रेंड शैक क्रिस्टन से बात करता है। उसने कहा कि एक बात मैं तुमसे छुपा रहा था, कैरोलाइन और जोहान मिलकर तुम्हें मारने की साजिश कर रहे थे, अब हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। अब जोहान का ही फ्रेंड ये बात कह रहा है तो क्रिस्टन पर उस पर ट्रस्ट हो जाता है। उसे अरेस्ट करने के वारंट पर प्रेशर में आकर साइन कर देता है। इसके बाद जोहान और कैरोलाइन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। कैरोलाइन को एक अलग कंट्री में भेज रहे थे, पर उसके बेटे को यहीं पर रोक लिया जाता है। जोहान और कैरोलाइन के अफेयर के बारे में उसे कन्फेस करने के लिए बोला जा रहा था। जोहान इसके लिए मना करता है तो उसे बहुत टॉर्चर कर देते हैं। उसे डेथ पेनल्टी दी गई। इसके बारे में कैरोलाइन को पता चला तो क्रिस्टन को एक लेटर लिखती है। उसे कहती है कि जोहान को प्लीज़ वो माफ़ कर दे। एक दिन जोहान के पास प्रीस्ट आया और कहता है कि क्रिस्टन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें सिर्फ अब अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस करना पड़ेगा। जोहान फिर कन्फेशन के लिए मान गया। एक दिन क्रिस्टन ने बाहर देखा तो सारे लोग कहीं पर जा रहे थे। वो और से पूछता कि आज तो जोहान का एग्जीक्यूशन नहीं है, ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? और कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अब क्रिस्टन तो जोहान को उसके एग्जीक्यूशन के दिन पर माफ़ करने वाला था, पर उससे पहले ही एग्जीक्यूशन के लिए उसे लेकर जाया जाता है। एक दूसरी जगह पर उसे मार दिया गया। अब फिर से सारी पावर काउंसिल के पास आ गई थी। जूलियन का बेटा ही सब कुछ संभाल रहा था। कैरोलाइन जिस जगह पर रह रही थी, काउंसिल उसे कंट्रोल करता था। इसी जगह पर उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड फिर से वापस मिलती है। उसने कुछ साल अकेले में ही बिताया। उसके बाद एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले वो सब कुछ लिख कर गई थी और अपने फ्रेंड को बताती है कि जब मेरा बेटा ज़रा बड़ा हो जाएगा तो उसे सारी राइटिंग्स दे देना। इस लेटर के एंड में कैरोलाइन ने लिखा हुआ था कि जब से क्रिस्टन से पावर चली गई तो डेनमार्क फिर से अपने ओल्ड वेज में वापस चली गई। फिर से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। बाकी सारी कंट्रीज ने प्रोग्रेस किया था, पर डेनमार्क बहुत ही पीछे छूट गई थी। ये सब पढ़ने के बाद कैरोलाइन का बेटा क्रिस्टन के पास गया। उसके साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया और फिर से पावर अपने हाथ में ले ली। जिस तरीके से कैरोलाइन और जोहान उस कंट्री को बदलना चाहते थे, अच्छे इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, उसी तरीके से कैरोलाइन के बेटे ने वो इम्प्रूवमेंट्स की, कंट्री को फाइनली उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।